सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। नाइन्थ क्लास में आज हम स्केल नंबर 5 की कागज बाट करेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो मैं इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट ले लेता हूँ। यहाँ पे इसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर, ब्रेथ है इसकी 45 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 55 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ हमारी जोड़ के बन जाती है, ये है आपकी 120 सेंटीमीटर, और ब्रेथ और हाइट हमारी हो जाती है 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसकी लेंथ ज़्यादा है, हम कागज को लेंथ में रखेंगे, और हमने यहाँ से ऊपर से जो है वो 120 सेंटीमीटर हमने काटना है, और फुट्टा हमारा इसमें है 1.5 सेंटीमीटर। आप ये देख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर का फुट्टा है, तो यहाँ से हम जो है वो 1.5 सेंटीमीटर फुट्टे से 120 काट देंगे। ये आपका 120 है, पूरा है यहाँ पे। ये अब बची हुई जो हमारी शीट है, ये हमारी शीट बच गई है, इसके हमने बराबर 3 भाग करने। तो यहाँ से हम एक न्यूनकोण ले लेते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि आपने इसको डॉटेड लेना है, आप इसको ऐसे डार्क भी ले सकते हैं। और अब हमने क्या करना है, जो न्यूनकोण हमने ले रखा है, इस रेखा के हमने बाहर को जो हमने न्यूनकोण लिया है, इसके हमने बराबर 3 भाग करने हैं। 3 भाग नहीं करने, 3 निशान लगाने हमने इस लाइन पे। यहाँ से ये जैसे मैं लगा रहा हूँ 1, 2 और 3, ऐसे हमने इसमें नॉर्मली 3 निशान लगाने हैं। हम इसके नाम दे देते हैं, ये 1, 2 और 3। अब हमने क्या करना है, ये 3 वाला निशान है इसको हमने यहाँ पे, ये आपका लास्ट पॉइंट है आपकी जो आपने हाशिया लगाया है, ये हम यहाँ पे इसको ऐसे मिला दें, लास्ट पॉइंट के साथ हमने यहाँ इसको मिला दिया है। इसी के समानांतर हमने जो रेखा लेनी है वो लेनी है 2 से, इस तरह हमने ले ली है रेखा, ये आ गई है, ये आपका पॉइंट आ गया। अब 2 से हमने जो है वो फिर समानांतर रेखा लेनी है 1 तक, ये आप देख सकते हैं, और ये हमारा 1 आ गया। इस तरह से हमारा 1, 2, 3, ये 3 भाग हमारे हो चुके हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारे 3 भाग हो गए। अब चाहे तो इसको आप नाप भी सकते हैं, क्या ये हमारे बराबर हुए हैं, तो आप भी देख सकते हैं 1, या देखिए यहाँ पे है, और ये आपका है 2, देखिए 2 है, और ये आपका 3 है, देखिए बिल्कुल बराबर है। तो इतनी प्रकार खोल के हमने जो है वो 1 भाग हमने यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हमने एक भाग ऊपर छोड़ दिया है। अब हम यहाँ से लेंगे लेंथ, और लेंथ जो हमारी है वो है आपकी 75 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम लेंथ ले लेंगे 75 सेंटीमीटर, ये आपकी है 75 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से क्या करना है, एक भाग हमने और ले लेना है, ये आपने ले लिया है। अब इसकी ब्रेथ हमने लेनी है, और ब्रेथ हमारी है 45, तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये देखिए 45, और पूरा आ रहा है, एक भाग हमारा बच गया है। अब हमने यहाँ नीचे भी जो है इसमें, यहाँ पे भी हमने इसी तरह से इसमें निशान लगा देने हैं, और फिर हम इन निशानों को आपस में मिला दें। इस तरह से हम इसकी लाइनों को मिला देंगे, और हमने हाइट और ब्रेथ दोनों को जोड़ करके यहाँ से हमने इसको काटना है। तो यहाँ पे हमारा ये है 100, ये हमारी ब्रेथ और जो हाइट है वो हमारी जोड़ के आई है 100, तो ये हमारा 100 कट गया है। बची हुई जो शीट हमारी है इसके हमने बराबर 5 भाग करने हैं, तो मैं यहाँ पे एक न्यूनकोण ले लेता हूँ इस तरह से, इस न्यूनकोण पर मैं बराबर 5 निशान लगा देता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे 5 निशान लगा दिए, 1, 2, 3, 4, 5।
तो हमने इन पांच निशानों को जो है यहाँ पे मिलाना है यहाँ पे, और इसके समानांतर हमने जो है फिर आगे रेखाएं खींचनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम इसको मिलाएंगे इस तरह से लास्ट कोने पे, इस तरह से इसी के समानांतर हम जो है वो आगे हर पॉइंट से रेखा खींचेंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं ये हमारा आ गया एक भाग, दो, तीन, चार और पांच, इस तरह से ये हमारे पांच भाग आ गए। वो हमने क्या करना है, दो भाग जितनी प्रकार खोलनी है जितनी इसके दो भाग है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये हमारे दो भाग जितने हमने प्रकार खोल दी है। और हमने यहाँ पे जो है वो ये भाग काट देने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से हम यहाँ पे दो भाग काट देंगे। वो हमने यहाँ से काटनी है हाइट, और हाइट हमारी कितनी है 55 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ से 55 सेंटीमीटर को काट देंगे। ये आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे 55 सेंटीमीटर काट दिया है। और हमने क्या करना है, इसमें एक भाग जितना ये एक भाग है हम इतनी प्रकार खोलेंगे, ये देखिए, ये देखिए बराबर है भाग, ये देखिए बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ से मैं एक भाग जितनी प्रकार खोल देता हूँ, ये हमने खोल दी है। और अब हमने काटनी है ब्रेड्थ, तो आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे ब्रेड जो हमारी आ रही है वो 45 सेंटीमीटर आ रही, देखिए बिल्कुल बराबर आ रही है, दो भाग हमारे पीछे बच जाते हैं और ये 45 सेंटीमीटर हमारा बराबर आ रहा है। अब हमने क्या करना है, यही निशान हमने यहाँ भी लगा देने और फिर इसमें हमने ये सारी लाइनें मिला देनी। इस तरह से हम ये सारे जो हमने नाप लिए हैं इनको मिला देंगे और इस तरह से इनको थोड़ा हम फेयर कर देंगे। ये हमारा है एक्स, ये हमारा है वाई। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने हाइट और ब्रेड्थ और लेंथ हमने लिखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसके सेंटर में यहाँ पे हम एक डॉटेड लाइन लगा देंगे, यहाँ हमने लगा रखी लाइन, यहाँ भी हम डॉटेड लाइन लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम लाइन को आगे बढ़ा देंगे यहाँ पे इस तरह से, और इधर को भी हम यहाँ थोड़ी लाइन लगा देंगे, यहाँ भी हम लाइन लगा देंगे। हमने ज़्यादा इसमें कारीगरी नहीं करनी है, और यहाँ बीच में इसके सेंटर में जो है वो हम यहाँ पे लाइन लगा देंगे। चाहे इससे छोटे फुट्टे से मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ एक इस तरह से, यहाँ इसके सेंटर में हमने यहाँ पे लाइन लगानी है इस तरह से, और हम यहाँ बीच में इसमें लिखेंगे हाइट इस तरह से, इसी के सीध में मैं यहाँ एक लाइन लगा देता हूँ, और इसमें हम लिखेंगे इसकी ब्रेथ जो है, और यहाँ हम लाइन लगा देंगे इसमें इसके बीच में, यहाँ हम लिखेंगे इसमें इसकी लेंथ, इस स्केल की जो है वो लेंथ हमारी कितनी है। तो इसकी हमारी जो यहाँ पे हम इसमें एरो का निशान लगा देंगे इस तरह से, यहाँ पे हम एरो का निशान लगा देंगे, और इसकी जो हमारी हाइट है वो हमारी है इसकी 55 सेंटीमीटर, इसकी जो ब्रेड्थ है वो हमारी है 45 सेंटीमीटर, और जो इसकी हमारी लेंथ है वो हमारी है 75 सेंटीमीटर। इस तरह से हम ये चीज़ लिख देंगे, और हमारे पास जगह बहुत कम बची है यहाँ पे एलिवेशन लिखने के लिए, तो मैं इसको फ्री हैंड में ही अभी यहाँ पे लिख देता हूँ एलिवेशन। यहाँ पे हमने एलिवेशन लिखना है, एलिवेशन साइट प्लान और प्रोजेक्शन, इस तरह से हम इसको, वैसे तो हम यहाँ पे सेंटर में लिखते हैं, पर अभी हमारे पास इसमें जगह बड़ी कम बची है क्योंकि इसकी हाइट और ब्रेथ ज़्यादा थी, तो हमने इसको फ्री हैंडी लिख दिया है। और यहाँ पे हम जो है वो इस वर्क कम आधा कर देंगे इस तरह से, और जो नीचे हमारे पास ये रहता है ये वाला वर्क आधा वर्ग हमारा है, इसको हम यहाँ पे मिटा देंगे। और ये जो हम हमारी जगह बचती है यहाँ पे हम फुट्टा बना सकते हैं, इसमें यहाँ पे हम इसमें फुट्टा बना सकते हैं, बाद में हमने इसमें फुट्टा बनाना है जब हमारी स्केल पूरी हो जाएगी। और जो इसमें फुट्टा हमने यूज करना है वो 1.5 सेंटीमीटर का है,
तो मैंने फुट टैप बनाने आपको सिखा रखा है। तो इस तरह से ये अब आपकी कागज वाट जो है स्केल नंबर पाँच की आपकी कागज वाट बन के तैयार होगी। आपने भी इस तरह से स्पाइस से जो है उसकी कागज वाट करनी है।